वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले क्लास के स्टार्टिंग में ही एक शुभ समाचार मैं आपको देता हूं। वो गुड न्यूज ये है कि मंडे से फ्राइडे नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस रेगुलर है। तो अगले वीक से नेक्स्ट वीक से आपकी क्लास होंगी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे दो दिन का ऑफ रहेगा, ठीक है जी। तो 5 days क्लास एक वीक के अंदर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है नेक्स्ट वीक से, मतलब आपके परसों से, परसों भी क्लास है आपकी। तो मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस कर देता हूं मैं रेगुलर, ये मैं पेड की बात कर रहा हूँ, वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी। तो बच्चे धीरे धीरे जैसे से टाइम निकालेंगे वैसे आपके लिए भी कोशिश करेंगे और मैनेज करने के लिए कर ही रहे हैं। देखिए क्लासेस आपकी भी हो रही है। चलिए समय खराब किए बिना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। सिलेबस हमारा किस तरीके से चल रहा है इसके लिए मैं पूरे के पूरे सारे मैंने चैप्टर के जो है नाम लिख कर करके आपको मैंने लास्ट क्लास में प्रोवाइड करवा दिया था, और उसमें से कौन कौन चैप्टर हम कवर कर चुके हैं ये भी मैंने बता दिया आपको। चैप्टर नंबर 4 है हमारे टॉपिक का, चैप्टर नंबर 4 जो कि है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्स में आता है। जैसे कि आपने पहले भी मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ा है तो वहां नेशनल इनकम से एक न्यूमेरिकल आपका आता था, बट यहां पे नेशनल इनकम से थ्योरी के चांसेस ज्यादा होते हैं आपके सेमेस्टर 6 में, और न्यूमेरिकल आपके यहां से पूछे जाते हैं। तो बड़े ध्यान से आपको थ्योरी को समझना है तभी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहले थ्योरी को समझते हैं। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मतलब कि हिंदी में कहते हैं कि समग्र मांग। तो समग्र मांग क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है? नाम से क्लियर हो रहा है कि मैं एक ऐसे डिमांड की बात कर रहा हूं जो कि क्या है, एग्रीगेट मतलब समग्र, मतलब टोटल डिमांड क्या है। साधारण सी भाषा में बात करूं तो एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, तो सबसे पहले एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, इस फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री ने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को अगर आप टोटल करेंगे तो वो हमारे पास में एग्रीगेट डिमांड होता है, उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। खैर साधारण सी भाषा में आप इस बात को समझ लीजिएगा, आप टेक्निकल वर्ड पे बाद में जाइएगा, पहले आप बिल्कुल साधारण सी भाषा में आप बात समझ लीजिएगा कि भैया आपको पता कि आज आप सुबह उठे और आज आपने क्या क्या डिमांड करा होगा। सुबह उठे, दूध लेने गए, सामान खाने लाए, खाना खाया, कपड़े लेने कभी जाओगे, शाम को सब्जी लेने चले जाओगे, शाम को भी कंज्यूम करोगे। आप ही नहीं, आपके घर में, आपके परिवार में भाई बहन मम्मी पापा सभी ये चीजें कर रहे हैं, इसको कहते हैं हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड पूरे दिन में डिमांड में लगा रहता है, और ये तो एक दिन की डिमांड है, ये एक हाउस होल्ड की बात कर रहा हूं। ना जाने भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में कितने हाउस होल्ड है, और एक दिन में कितना अधिक डिमांड हो जाता है। और ये मांग एक दिन की बात नहीं कर रहा मैं, इस मांग को कर रहा हूं मैं एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं। तो देखिए कितना डिमांड हो जाएगा, तो ये जो मांग का स्तर है जितना भी डिमांड करा है या फिर जितने भी पैसे खर्च किए हैं हम पूरे परिवार ने अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, इसको हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ एक हाउस होल्ड की तरफ से डिमांड हो रहा है। मेरी बात समझे, मैं अपनी डिमांड में तो वही कंसिडर करूंगा जो अपने परिवार के लिए लेकर के मैं आया, लेकिन आपके लिए मार्कर लेकर के आया ये तो कंसिडर होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट है ना। मेरी बात समझ रहे हैं, इसलिए एक सिंपल सी वर्ड में भी आप समझ लीजिएगा कि एक फाइनेंशियल ईयर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज दो तरीके से होते हैं, एक तो उसको हम कंजम्पशन करने के लिए भी डिमांड करते हैं, दूसरा हम उसका इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी डिमांड करते हैं। मेरी बात समझे, अब आपकी ही कोई दुकान है तो कुछ चीजें तो आप अपने घर में कंज्यूम करने के लिए ला रहे हो और कुछ चीजें अपनी दुकान के लिए भी लेकर के आ रहे हो। मेरी बात समझे, तो डिमांड में दोनों चीजें जुड़ी हुई है। डिमांड में क्या है, एक जिसका आप कंजम्पशन करोगे और दूसरा आप जिसका आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो हम दोनों चीजों के लिए क्या करते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं। कंजम्पशन के लिए डिमांड तो हाउस होल्ड करता है, और प्लस में फॉर्म किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड करती रहती है। तो डिमांड करने में दोनों चीजें जुड़ी रहती हैं। तो यहां पर क्या है, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। क्लियर है जी। अब सवाल यहां पर एक लाइन है, क्या Which all the sectors, अब ये all the sector of an economy क्या है, मतलब एक economy के अंदर कौन कौन डिमांड करते हैं, सवाल ये है। तो आइए मेरा अगला टॉपिक क्या है, एक्सप्लेन द components ऑफ एग्रीगेट डिमांड। components का क्या मतलब होता है,
घटक बोलते हैं हिंदी में इसका, जैसे कंपोनेंट्स का मतलब ये क्या है, ये पंच है और इसके कंपोनेंट्स क्या है, ये फिंगर्स है, ये क्या हुए, इसके कंपोनेंट्स है, इस कंपोनेंट्स को मिलाकर के पंच बनता है, समझ रहे हैं ना। उसी तरीके से एग्रीगेट जो डिमांड होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, ये किन किन चीजों से मिलकर के बनता है, इसके कॉम्पोनेंट्स क्या है, क्लियर है। या फिर आप क्या कह सकते हो, कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट ऑफ डिमांड को आप कह सकते हैं, ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी जो कि एग्रीगेट डिमांड करते हैं उसको हम कॉम्पोनेंट्स भी कह सकते हैं। तो कॉम्पोनेंट्स में सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, कॉम्पोनेंट्स में सबसे पहले बेसिकली मैंने मोटा मोटा यहां पर चार लिख दिए, वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करूंगा। क्या आता है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, ये वही है जो कि मैं एक हाउस होल्ड की बात कर रहा हूं। अब आप जो भी दूध दही चीनी या फिर कपड़े या जो भी चीज अपने परिवार आपका कंज्यूम कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, क्लियर है जी। एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक परिवार इन्वेस्टमेंट भी तो करता है, देखिए कैसे, समझिए पहले। पहले प्राइवेट, जिसको मैंने यहां पे क्या नाम दिया, प्राइवेट के साथ में क्या लिख दिया मैंने यहां पर, हाउस होल्ड। तो प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। इट ऑफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, टोटल एक्सपेंडिचर जो कि कौन करता है, हाउस होल्ड करता है, ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर। जनरली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम। बच्चे डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है इसको समझिएगा और ये क्या कहना चाह रहा है। अब देखिएगा, मुझे सैलरी, मेरी सैलरी रखी गई है 1,00,000 रुपए, मान लीजिए उदाहरण है ये, मेरी तनख्वाह 1,00,000 रुपए है, तो ये मेरी इनकम है। लेकिन मैं 1,00,000 रुपए को खर्च नहीं कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि उसमें से मेरा इनकम टैक्स कट जाएगा। मान लो 10% इनकम टैक्स कट जाता है तो 10,000 रुपए टैक्स कट गया, तो मेरा बचे कितने, 90,000 ही तो बचे जिसको मैं खर्च कर सकता हूं। तो वो पैसा जिसको मैं खर्च कर सकता हूं, यहां पे 90,000 को डिस्पोजेबल इनकम बोलेंगे, क्लियर है, प्रायोज्य आय हिंदी में इसको कहते हैं हम, क्लियर है। और 1,00,000 रुपए मेरी इनकम है, टैक्स काटने के बाद जो पैसा मैं खर्च कर सकता हूं, जो खर्च करने की मेरी क्षमता, वो 90,000 ही बचेगी। तो 90,000 रुपए को मेरी इनकम नहीं बोला जाएगा, मेरे डिस्पोजेबल इनकम बोला जाएगा। अब बताओ, अब मेरे एक्सपेंडिचर किस चीज पे डिपेंड करेंगे, मेरे खर्चे मेरे इनकम पे डिपेंड करते हैं या मेरे डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है, मेरे एक्सपेंडिचर डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है कि मेरा खर्च करने के लिए बचा हुआ कितना है। तो ये वही लाइन कह रहा है कि जनरली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम, कि हम कितना खर्च करेंगे ये किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड होता है, कि हमारे पास में डिस्पोजेबल इनकम कितना है। जिसके पास में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है ऑब्वियसली वो ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, जिसका डिस्पोजेबल इनकम कम है वो कम एक्सपेंस करेगा। हायर द डिस्पोजेबल इनकम मोर इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा। डिस्पोजेबल इनकम रेफर टू द इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज व्हिच इज अवेलेबल टू हाउसहोल्ड फॉर स्पेंडिंग ऑन द कंजम्पशन एंड सेविंग। वो पैसा इसको खर्च कर सकता है, सेविंग कर सकता है, उस पर बचा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया आपको, फर्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा था आपको, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो एग्रीगेट डिमांड करने वाले कौन कौन से लोग हैं, फर्स्ट कौन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या फिर आप हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो भैया जो परिवार है ना, जो मैं बता रहा था, ये सारे के सारे परिवार भारत में जितने भी हैं, ये डिमांड में पार्टिसिपेट करते हैं, ये डिमांड करते हैं। लेकिन एग्रीगेट डिमांड जो है हमारा, वो इस डिमांड से ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड करने में पार्टिसिपेट करते हैं। वो क्या चीजें हैं, वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिमांड तो हमने कर लिया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इट रेफर टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म ऑन कैपिटल गुड्स। क्या मतलब है इसका, देखिएगा, मान लीजिए मैं अपना ही एक उदाहरण लेता हूं कि आज मैं अपने परिवार के लिए दूध दही चावल आटा गेहूं कपड़े फिनाइल डिटोल साबुन ये सब लेकर के आया हूं अपने परिवार के लिए, वो मेरा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। साथ में मैं स्मार्ट बोर्ड भी लेकर के आया हूं, ये भी लेकर के आया हूं मैं स्मार्ट बोर्ड भी आप लोग के लिए पढ़ाने के लिए। अब सबसे पहले कि ये मेरा स्मार्ट बोर्ड है ना, मेरे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कंसिडर नहीं होगा। अभी मेरे परिवार के लोग बैठ के टीवी थोड़ी देखते हैं, इसमें
तो क्या मैंने अपने पूरे दिन में क्या सिर्फ मैंने एक हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही करा है या फिर इसी के लिए डिमांड करा है या इसके अलावा भी मैंने कुछ और भी डिमांड करा है, इसके अलावा भी मैंने कुछ और डिमांड किया है? क्लास के बीच में एक बच्चे ने अपना शौक फरमाया है कि सर मंडे से टाइम 3 बजे का कर दो, और तो बिल्कुल टॉपिक के बीच में है ना। हाँ जी कंटिन्यू करें। तो हमारे पास में क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो मुझे एक बार बताइए कि पूरे दिन में मैंने 1000 रुपए अपने परिवार के लिए दूध दही घी मक्खन साबुन वाबुन में मैंने खर्च किए, प्लस मैंने 2 लाख रुपए का ये स्मार्ट बोर्ड लाकर के भी ट्यूशन में मैंने लगा दिया। तो जो ये मेरा जो डिमांड है ना, इस डिमांड को मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन मेरे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही किया है मैंने उस दिन, आज के दिन, या कुछ अलावा कुछ और भी मैंने डिमांड करा है? सिर्फ यही डिमांड हुआ है या कुछ और डिमांड हुआ है? ये तो डिमांड हुआ, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट। मेरी बात समझे, क्लियर है? तो एग्रीगेट डिमांड ऐसे ही नहीं बनता है कि आप परिवारों के पास घुस जाओ, आज क्या क्या खाया क्या क्या कंज्यूम किया बता दो, जोड़ के बैठ जाओ और बोलो ये एग्रीगेट डिमांड है। नहीं बच्चे, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए भी डिमांड किया गया है, बात समझे? तो यहां पर इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट रेफर टू द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म ऑन अ कैपिटल गुड्स। अब ये स्मार्ट बोर्ड मेरे लिए कैपिटल गुड्स है। अब सवाल है कैपिटल गुड्स होता क्या? नेशनल इनकम आपने पढ़ा है, मैंने डे वन ही बताया आपको कि इस तरीके के गुड्स का अपने फॉर्म में लेकर के आना जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लॉन्ग रन तक आपकी हेल्प करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं, जिसपे डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है। क्लियर है? ये स्मार्ट बोर्ड जो है ये कैपिटल गुड्स है, बात समझे? क्लियर है? अब जैसे आप चीनी का मील है आपका, चीनी बनाते हैं आप, तो गन्ना आपके लिए कैपिटल गुड्स नहीं होगा, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस में लॉन्ग रन तक यूज नहीं करेंगे बार बार, बात समझे? समझे, आपका रॉ मटेरियल है। हाँ, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इट रेफर टू द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म ऑन कैपिटल गुड्स। इट इंक्लूड्स एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल एसेट्स सच अ मशीनरी इक्विपमेंट्स बिल्डिंग एटसेट्रा एंड चेंज इन द इन्वेंट्री। मेरी बात समझे? सबसे पहले बताओ बच्चे, मैंने अभी एक बात कहा आपसे कि मेरी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में तो मैं गन्ने का भी डिमांड कर रहा हूँ, नहीं समझे मेरी बात? आप जवाब दीजिएगा इसका, बड़े गहरे सोच करके। मेरी फैक्ट्री है, क्या परिवार वाला में गिनवा दिया मैंने, उसको मत गिनवाना, ठीक है ना? और एक्स्ट्रा डिमांड बता रहा हूं कहां से होता है। फैक्ट्री में क्या मैं सिर्फ मशीन की डिमांड करूंगा? मेरी चीनी की फैक्ट्री है तो क्या सिर्फ मशीन की डिमांड करूंगा या फिर गन्ने की डिमांड करूंगा? गन्ने की। लेकिन मैंने क्या बोला कि आपको इन्वेस्टमेंट में मशीन लेना है, तो गन्ना कहां गिना जाएगा? गन्ना तो गिनने के लिए मैं मना ही कर दिया, आपको क्या लेना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेना है। लेकिन आपने गन्ने पे भी तो पैसा लगाया है, वो गन्ना कहां खरीदा जाएगा? वो डिमांड तो हुई है ना गन्ने की, तो उस गन्ने को क्यों मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं? अरे जब चीनी बन जाएगा तो हाउस होल्ड तो ले लेगा उसको, तो हाउस होल्ड में गिनवा के तो आया हूं पहले ही, तो रिपीटेशन नहीं हो जाएगी? चीनी को यहां भी गिन लिया और एक घर में घुस उसके डब्बा चेक भी कर लिया, आप एक डब्बे में कितना चीनी है, दो बार गिनती नहीं हो जाएगी भैया? तो इसलिए जो चीज हाउस होल्ड में जा रहा है जाने दोनों, उसको वहां गिन लेंगे, हाउस होल्ड के पास में ये मशीन उठ के नहीं चला जाएगा। तो इसलिए आप एक फर्म के पास जाकर के उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही कंसीडर करेंगे, बात समझे जी? क्लियर है? मोहित गुप्ता कह रहे सर कौन चैप्टर चल रहा है? मोहित गुप्ता कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा मुझसे या फिर जिस भी टीम के नंबर आपके पास में, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, ठीक है ना? क्लियर है? आपके पास से कोई फोन आया है मोहित गुप्ता? कमेंट बताते रहेंगे, कोई फोन आया, गाइडेंस आपको की है या नहीं की है बताइए जरा, और कब आपने कोर्स में आप एनरोल्ड हुए? हाँ जी, ये बात समझ में आपको है, इन्वेस्टमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब भैया सिर्फ हाउस होल्ड ही नहीं है जो हाथ उठा उठा के खाएगी और खर्च करेगी, सरकार भी तो है भैया डिमांड करने में। देश में जो डिमांड होती है चीजों की, उसमें हाउस होल्ड तो है, चाहे वो कंजम्पशन के लिए कर ले या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कर ले, और इन्वेस्टमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करा हमने।
इसके अलावा और कौन है जो डिमांड करती है बताओ? गवर्नमेंट भी तो करती है डिमांड। अब गवर्नमेंट क्यों करती है डिमांड? सरकार विद जैसे हाउस होल्ड का बिहेवियर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट रहता है, वैसे गवर्नमेंट का भी बिहेवियर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट रहता है। सरकार भी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। अब सरकार का कंजम्पशन क्या, गवर्नमेंट का कंजम्पशन क्या है? अब शायद आप मुझे मालूम है आप कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मोदी जी ब्रेड खा रहे हैं, आपके मन में आ रहा है गवर्नमेंट का कंजम्पशन है, कहीं ये तो नहीं सोच रहे मोदी जी चाय पी रहे हैं, अच्छा गवर्नमेंट कंजम्पशन है, गवर्नमेंट कंजम्पशन वो नहीं है। गवर्नमेंट कंजम्पशन क्या होता है बच्चे? गवर्नमेंट आपने गवर्नमेंट कंजम्पशन होता होता है कि वो सारी कंजम्पशन जो पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार से लेती है। जैसे आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं दवाइयां आपको मिल जाता है, तो वो जो मेडिसिन है ना भैया, देखिए उसकी डिमांड तो हुई है, खैर डिमांड अल्टीमेट आप नहीं करी है, आप डिस्पेंसरी गए या किसी सरकारी अस्पताल में गए, वहां फ्री में आपको दवाई मिल गई, पूरी नहीं मिली, इतिहास गवाह है, मैं भी जानता हूं इस बात को, पर जितनी भी मिल गई आपको, 10 दवाई लिखी थी, 500 वाले कुछ लिखी थी, 1 रुपए वाले कुछ लिखी थी, 1 रुपए वाला आपको मिल गया हॉस्पिटल से, 500 वाला आपको बाहर से लेना है, तो चलो वो 1 रुपए वाला भी आपको मिल गया, मतलब मान लो इस चीज को कि वो दवाई आपको वहां से मिली, तो फाइनली डिमांड तो हुआ है, लेकिन वो उस पर आपने एक्सपेंस नहीं करा, इसलिए उसको हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कंसिडर नहीं करेंगे। बट वो बना है, उसकी डिमांड हुई है, आगे जिस भी लेबर ने बनाया उसकी पेमेंट हुई होगी जहां से ही बनाया वो, तो ऐसी चीजें है ना ये गवर्नमेंट की कंजम्पशन में कंसीडर होती है। गवर्नमेंट कंजम्पशन जो नागरिक फ्री सेवा लेते हैं उस सेवा को सरकार का जो है उपभोग माना जाता है, गवर्नमेंट कंजम्पशन माना जाता है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है बात? समझे गवर्नमेंट कंजम्पशन क्या हो गया? अब जैसे कि पार्क है, आप पार्क में जाते हैं और फ्री में घूमते हैं, उसके लिए कुछ भी आप पे नहीं करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो आपका टैक्स जाता है, बट डायरेक्टली कुछ पे नहीं कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट कंजम्पशन में आ गया। उस पार्क से सरकारों को इनकम भी नहीं मिलेगी जो आप उसको इन्वेस्टमेंट बोल रहे हो। बात समझे या नहीं समझे? तो आप गली मोहल्ले में जो पार्क है गवर्नमेंट कंजम्पशन है, फ्री मेडिसिन गवर्नमेंट कंजम्पशन है, जो भी आपको स्कूल में शिक्षा दी जाती है सरकारी स्कूल में फ्री में, वो भी गवर्नमेंट कंजम्पशन माना जाएगा। क्लियर है जी? बात समझे या नहीं समझे? और सरकार वो इन्वेस्ट वो डिमांड करे जिससे कि वो आगे पैसा कमाएगी, उसको सरकार का इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि सरकार हाईवे बना रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट जो है हाईवे बना रही है, तो जब सरकार हाईवे बना रही है तो सरकार को टोल टैक्स से इनकम जनरेट होगी। या सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना रही है या फिर एयरलाइन बना रही है, या गवर्नमेंट क्या कर रही है? जैसे कि LIC में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट ने कुछ अपनी कंपनी बना रखी है, गवर्नमेंट ने DRDO बना रखा है, इसरो गवर्नमेंट ने बनाया, वो इसरो बाहर दूसरी कंट्री के सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, उससे पैसे लेंगे। सरकार ऐसे एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के जिससे कि वो फ्यूचर में पैसा अर्न करेगी। सरकार जो है ट्रेन बना रही है, ट्रेनें ट्रैक बिछा रही है, बुलेट ट्रेन लेकर के आ रही है गवर्नमेंट। ये इस तरीके के सरकार के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट में कंसिडर होते हैं। क्लियर है? और सरकार का वो एक्सपेंडिचर जो कि पब्लिक फ्री में कंज्यूम करेगी वो गवर्नमेंट का कंजम्पशन में कंसीडर होता है। तो आपको समझ में आया? जैसे एक हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों करने के लिए डिमांड करने में लगा हुआ था एक देश में, उसी तरीके से सरकार भी डिमांड करने में लगी रहती है, कंजम्पशन के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो यहां पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर लें तो सबसे पहले इट रेफर टू द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल टू सेटिस्फाइड द कॉमन नीड्स ऑफ इकोनॉमी। इट मीन्स गवर्नमेंट इंकर्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सीधा बोल दिया, गुड्स एंड कैपिटल पे, गुड्स और कैपिटल पे सरकार खर्च करती है। गुड्स पे मतलब कि वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन की बात कर रहा है, कैपिटल मीन्स वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड टू नीड पब्लिक नीड्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस। क्लियर है ना? तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, डिफेंस भी कंजम्पशन। लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है ना, कानून व्यवस्था बनाने में। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जो पुलिस वगैरह की जो तनख्वाह जाती है, कानून व्यवस्था बनाने में, कि कोई गुंडागर्दी मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, आपके आस पड़ोस में ना करें। तो सरकार को उससे कोई पैसा तो मिलता नहीं है पुलिस वाले को तनख्वाह दे करके। भाई साहब, आप वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए आपका। सर, गर्ल्स का बस में फ्री टिकट हो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है? हाँ, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है।
बिल्कुल सही, दो तो जा चुके हैं अंदर, अब बस एक ही बचा हुआ है, फिर वो फिर भी बंद हो जाएगी। जो आपको जो फ्री में जो टिकटें मिल रही है ना बस में, इसको गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे। सही है, सही एग्जांपल है। क्लियर है जी? और जो गवर्नमेंट ऐसे ऐसी जगह पैसा खर्चा कर रही है जहां से वो फ्यूचर में कमाएगी भी, जैसे कि सरकार क्या कर रही है, रेलवे नहीं बिछा रही है, बुलेट ट्रेन ला रही है, वंदे भारत आ गई, तो इससे क्या होता है, इससे सरकार को रेवेन्यू होती है, सरकार इससे मुनाफा कमाती है, तो ये सरकार का इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर होगा। और अभी मैंने एक उदाहरण जो आपके सामने है जिसके बारे में आप जानते हैं, मैंने वो उदाहरण रखा है रेलवे। लेकिन सरकार रेलवे के अलावा ऐसी बहुत सारी कंपनी है, जिसकी इंश्योरेंस कंपनी है, या फिर केमिकल की कंपनी है, या फिर डिफेंस की कंपनी है, जो कि सरकार जहां पर पैसा लगाती है उसको बेचती है, वहां से अर्न करते हैं, सरकार के और भी इन्वेस्टमेंट है। बट मोटा मोटा आपको समझना है तो आप रेलवे से समझ सकते हैं इस बात को, कि सरकार का इन्वेस्टमेंट मतलब रेलवे, और सरकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कि जो आपकी बस में टिकटें फ्री हैं। ठीक है जी, क्लियर है बात, समझे? हाँ जी, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये समझ में आ गया। सरकारी कंजम्पशन में क्या क्या आ गया, पब्लिक नीड्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, जो पुलिस वालों को तनख्वाह देती है सरकार, तो उस तनख्वाह से सरकार को कोई मुनाफा नहीं होने वाला है ना, तो क्या हो गया, वो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, रोड, प्लांट्स एटसेट्रा। क्लियर है? तो भैया अभी तक कितने लोग आ गए, दो लोग आ गए डिमांड करने में। एक तो देश का हाउस होल्ड करने में लग रहा है भैया, कंजम्पशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और कौन आया इसके साथ साथ, गवर्नमेंट कंजम्पशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट, साथ साथ याद हो जाएगा आपको, ध्यान रखना। लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज है, इसके अलावा भी है कोई चौथा जो डिमांड करता है। विदेशी भी तो घुसूस के डिमांड करते रहते हैं, नहीं करते? जैसे पाकिस्तानी लोग हैं मान लीजिए, उन बेचारों के पास में हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, तो वो भारत आते हैं, तो यहां डिमांड करते नहीं करते हैं, भारत वीजा लगा करके अपना भारत आते हैं, और कहते हैं भैया हमारी बीमारी का इलाज कर दो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं है जो भारत में है। भारत में से एम्स हो गया, गंगाराम हो गया, बेलकपुर हो गया, फोर्टिज हो गया, समझे? नहीं समझे? इतना भयंकर भयंकर हॉस्पिटल है पाकिस्तान के, हमारे यहाँ का एक हॉस्पिटल जो है वही सारे हॉस्पिटल का बजट और हमारे यहाँ का एक हॉस्पिटल का बजट बराबर है। एम्स कितना भयंकर हॉस्पिटल है। तो पाकिस्तान का उदाहरण लेता हूं कि वो भी तो डिमांड करने भारत में आते हैं कि भैया हमें आपकी सर्विसेज चाहिए। क्लियर है? नेपाल हो गया, वो भी आते हैं चीजों को खरीदते हैं, विदेश आते हैं चीजों को खरीदते हैं, तो डिमांड करते नहीं करते हैं। तो डिमांड करने में एक और वर्ग शामिल है, जो कि कौन है, विदेशी वर्ग, फॉरनर्स। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वो डिमांड करते हैं, हम भी तो उनसे लेते हैं, तो ले दे करके एक काम करते हैं, मामला सेटल करते हैं, ले दे करके मामला सेटल करते हैं। उन्होंने हमसे 10 रुपए की डिमांड करी, हमने उनसे 8 रुपए की डिमांड करी, तो कुल मिलाकर के उन्होंने हमसे 2 रुपए की डिमांड करी, यही तो बात रहेगी ना। तो इसके लिए मैं सेटलमेंट मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो मैं यहां पर बात नेट एक्सपोर्ट की कर रहा हूं, बात समझे? क्लियर है? तो और कितना डिमांड होता है हमारे देश से, जो फॉरनर्स हमारे यहां से इंपोर्ट करते हैं, क्या वो डिमांड में नहीं, वो एक्सपोर्ट भी तो करते हैं, तो नेट डिमांड कितना हुआ उनका, तो नेट डिमांड के लिए क्या कहेंगे हम, नेट एक्सपोर्ट कहेंगे। एक्सपोर्ट इंडिकेटेड द डिमांड फॉर द गुड्स प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इम्पोर्ट्स रेफर टू द डिमांड ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फॉर द गुड्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस द एब्रोड। क्लियर है ना जी? तो एक्सपोर्ट क्या है, जो कि हमारे देश में बन रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी में बन रही है, और जिसको कि विदेशों में डिमांड किया जा रहा है, इसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट क्या, जो हमारे देश की सीमा से बाहर बन रही है, उसको हमारे जो नागरिक हैं वो डिमांड कर रहे हैं, इसे इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे, जो बच जाएगा इतने की डिमांड हमने बाहर से भी की है, ठीक है ना? इतने फॉरेन डिमांड, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी बचे, इतना फॉरेन डिमांड भी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे डिमांड आप मिला दोगे ना सबके डिमांड को, कि भैया हाउस होल्ड ने कंजम्पशन के लिए कितना डिमांड करा, एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट में कितना करा सभी हाउस होल्ड ने, गवर्नमेंट ने कंजम्पशन भी कितना करा, इन्वेस्टमेंट भी कितना करा, नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट भी कितना है, इन सबको मिला दोगे ना तो पता लग जाएगा कि एग्रीगेट डिमांड कितना हुआ है। बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है? तो टोटल कितनी चीजें हो गई हैं एग्रीगेट डिमांड के अंदर, टोटल कितनी चीजें हो गई है? आप देखिए, मोटा मोटा मैंने फर्स्ट पेज पे ये चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, फर्स्ट पेज पे।
प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है जी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसके अंदर वैसे दोनों चीज आ जाती है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, और नेट एक्सपोर्ट, चार चीजें हो गई हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या हैं, एग्रीगेट डिमांड है। बट फिलहाल अभी मैं क्लोज इकोनॉमी के ऊपर बात करूंगा। तो क्लोज इकोनॉमी मॉडल में क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें गवर्नमेंट और फॉरनर्स नहीं रहते हैं, इसमें सिर्फ कौन रहेगा, इसमें एक आपके पास में हाउस होल्ड रहेगा, तो हाउस होल्ड रहेगा तो सिर्फ दो ही चीजें आएंगी। तो क्लोज इकोनॉमी मॉडल में सिर्फ दो ही चीजें लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड की जो है कॉम्पोनेंट्स दो ही चीजें मानी जाएंगी क्लोज इकोनॉमी मॉडल है। तो अभी मैं आपको क्लोज इकोनॉमी मॉडल समझा दूं, ये समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपसे ओपन इकोनॉमी मॉडल के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो यहां पर वैसे एग्रीगेट डिमांड किन चीजों से मिलकर बना, देखिए फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको, एग्रीगेट डिमांड किस चीज से मिला, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चाहे वो कंजम्पशन चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, और नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला समझ में, इन चारों को मिलाकर एग्रीगेट डिमांड हम बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं हम, यहां पर हम एग्रीगेट डिमांड देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं क्लोज इकोनॉमी मॉडल की, तो क्लोज इकोनॉमी मॉडल में एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर को दूर रखते हैं। अगर क्लोज इकोनॉमी मॉडल की मैं बात करूं, जैसे आप अपने सामने एक टेबल देख रहे हैं ना, दिख रहा है यह टेबल साफ साफ, देखिए ये क्या है, ये नेशनल इनकम है, ये क्या हमारा, ये हमारा नेशनल इनकम है, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बात समझे, क्लियर है। और हमारे पास में एक बात आप बताएंगे मुझे, यहां पर सबसे पहले कंजम्पशन और मेरे पास में इन्वेस्टमेंट हो गया, और एग्रीगेट डिमांड मेरे पास में 60 हो गया। देखिए जरा यहां पर एक इमेजिनरी डेटा है, हाइपोथेटिकल डेटा है, ये समझाने के लिए यूज किया गया है। और अगर रामायण की कहानी समझानी है तो किसी भी एक्टर को उठा कर करके वो एक्ट प्ले करवाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्टर भगवान राम हो गए, तो वो एक इमेजिनरी हो गए ना, हाइपोथेटिकल कहेंगे उस चीज को हम, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टोरी भी आपका जो है हाइपोथेटिकल हो गया, स्टोरी तो रियल है ना आपका। सावधान इंडिया देखते हो, सावधान इंडिया कभी देखा तो होगा है ना, तो सावधान इंडिया में जो भी एक्टर होते हैं जिनका मर्डर होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल कैरेक्टर होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टोरी भी हाइपोथेटिकल हो गया, वो स्टोरी भी फेक हो गया, वो तो मतलब नहीं हुआ ना उसका। तो ऐसे ही यहां पर जो मैं शेड्यूल ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल शेड्यूल ले रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कंसेप्ट भी हाइपोथेटिकल हो गया, वो तो ऐसे ही काम करता है कंसेप्ट। ठीक है, तो नेशनल इनकम हो गया 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 कंसिडर कर लिया। कंजम्पशन 40, ये इमेजिनरी है, कुछ भी मानना था मान लिया, 40, 120, 200, 280, 360, 440 और आपके पास है 520। आसान है आपके लिए, 40 से शुरू करो, 80 से गैप दे दो, मैंने इसलिए रखा ताकि आपको रट्टा नहीं मारना पड़े टेबल का। ये तो 0 से 500, 600 तक गिनते लिख दोगे, 0, 100, 200, 300, 400, ये 40 लिख करके 80, 80 का गैप दे दोगे, तो क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, भैया इन्वेस्टमेंट एक तरीके से हम इसको क्या लेते हैं, इन्वेस्टमेंट को एक इनिशियल स्टेज पर इसको हम एक फिक्स अमाउंट लेते हैं इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट जो हमारा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा, एक फिक्स अमाउंट रहेगा इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो गया, 20 है, 20, 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
दूंगा तो कितना बन रहा है मेरा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट क्या बन जाएगा, एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड तो पता लगा आपको क्लोज इकोनॉमी मॉडल में एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हुआ, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में एग्रीगेट डिमांड आ गया। ये चीजें क्लियर है या नहीं बताइए पहले आप मुझे, क्लियर है जी, कोई डाउट थर्ड तो पूछ लीजिए आप, ठीक है जी।
अरे ये क्या है, मैं इसका डायग्राम बना देता हूं आपका। देखिए एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम कैसा बनेगा, ओरिजन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो आपका एक्स एक्सिस है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बात समझिएगा, क्लियर है। और वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंजम्पशन लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ग्राफ को आप अच्छे से समझते हैं, जितना ऊपर जाओगे कंजम्पशन का लेवल बढ़ेगा, और जिस तरीके से आप यहां जाओगे तो आपका नेशनल इनकम बढ़ेगा। तो मैं यहाँ किसी इंडिविजुअल की इनकम और किसी इंडिविजुअल की कंजम्पशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैं देश की नेशनल इनकम की बात करूंगा और मैं राष्ट्र की कंजम्पशन की बात करूंगा। कंजम्पशन मीन्स जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपने पढ़ा है, कंजम्पशन मीन्स जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ा आपने, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हाउस होल्ड करते हैं, क्लियर है। तो ये एक डायग्राम आपका ऐसा बनेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। अब सवाल है सर ऐसा क्यों बना, सबसे पहले इसका स्लोप देखोगे तो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है, पॉजिटिव स्लोप है, जो भी डायग्राम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है पॉजिटिव स्लोप होता है। तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब तो एक बात क्लियर हो जाता है क्या, कि अगर एक चीज बढ़ेगी, अगर इनकम बढ़ेगी तो क्या कंजम्पशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो क्या कंजम्पशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बताइए बताओ, इनकम बढ़े बढ़ रही है, कंजम्पशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये तो भाई स्वाभाविक है। देश का अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो क्या देश में कंजम्पशन का स्तर नहीं बढ़ेगा लोगों का। अब आप देख लीजिएगा आपके माता पिता का कंजम्पशन का लेवल क्या था और आपका कंजम्पशन का लेवल क्या है, आपका कंजम्पशन ज्यादा होता है उनके कंपेटेबली, वो उतने कपड़े यूज नहीं करते जितने आप करते हो, वो इतनी फैसिलिटीज नहीं कंज्यूम करते जितने कि आप करते हो, और उनके ही माता पिता उससे भी कम करते थे। तो जैसे जैसे हमारा राष्ट्रीय आय बढ़ेगा वैसे वैसे नागरिकों के बीच में कंजम्पशन का स्तर भी बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय बढ़ने का मतलब ये नहीं हो गया कि किसी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ने का मतलब होता है कि सभी लोगों की आय बढ़ रही है कहीं ना कहीं। तो आय बढ़, जब भी आय बढ़ेगी अगर आपकी आमदनी 50,000 से 1 लाख हो जाए तो आपके शौक भी बढ़ेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा आपका, इसलिए पॉजिटिव स्लोप का डायग्राम होता है जो ये बताता है कि नेशनल इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ही कंजम्पशन भी बढ़ेगा, क्लियर है। लेकिन आप कहोगे सर आपने इसको लिटा क्यों रखा है, सवाल ये भी है ना कि सर आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, इसको आप इस तरीके से भी तो कर सकते थे, पहला सवाल। लेकिन इसको मैंने ऐसा क्यों नहीं करा, क्योंकि बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, आप भी इस बात को जानते हैं और समझते हैं कि जितना कंजम्पशन बढ़ा उतना ही, जितना नेशनल इनकम बढ़ा, ये इनकम है ना, ये कंजम्पशन है, जितना हमारा इनकम का लेवल बढ़ा उतना ही क्या बढ़ गया, ऐसा होता है कि जितनी आय बढ़े उतनी ही आपने खर्चे में डाल दिए, मतलब आज आपकी तनख्वाह 20,000 है अगले महीने 30,000 हो जाती है, 10,000 बढ़ जाता है, तो 10 के 10,000 खर्चे में डाल दोगे, खर्च जरूर खर्चे आपके बढ़ेंगे, 1,000 2,000 खर्चा बढ़ा लोगे। तो ऐसा नॉर्मली नेशनल इनकम जब देश का बढ़ता है तो कंजम्पशन ही बढ़ता है, और जितना नेशनल इनकम बढ़ा उतना ही कंजम्पशन में नहीं चला जाएगा, बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है, कोई डाउट। क्योंकि जब भी इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन में पैसा उसको डालते हैं, लेकिन साथ साथ उसको इन्वेस्टमेंट या सेविंग में भी लेकर के हम आते हैं, इसलिए ये डायग्राम क्या बताता है कि भैया मैंने अगर नेशनल इनकम इतना बढ़ाया तो कंजम्पशन इतना नहीं बढ़ा, कंजम्पशन बस इतना ही बढ़ा, नेशनल इनकम इतना बढ़ा तो कंजम्पशन इतना नहीं बढ़ा, इतना ही बढ़ा, मेरी बात समझे या नहीं समझे। क्योंकि जितनी आय में बढ़ोतरी होती है वो सारा का सारा कंज्यूम नहीं करा जाता है, जिससे कि आप ये कह दो कि भैया जो आय बढ़ा उतना ही कंजम्पशन भी बढ़ गया, सेविंग में भी जाता है पैसा, तो इसलिए पता लगा ये डायग्राम नहीं बनता है। भाई बात समझे या नहीं समझे, अगला सवाल चलो लिटा के बनाना सर, यहीं से लिटा दो ना, फिर इसको ऊपर क्यों उठा रखा है, अगर सर आपने इसको लिटाना ही है तो यहीं से लिटा दो, बताओ ये डायग्राम क्यों नहीं हो सकता है, स्टीपर क्यों नहीं होगा, यहां तो पता लगे जितनी इनकम नहीं बढ़ी उतनी उससे ज्यादा कंजम्पशन हो गई, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, इनकम इतनी बढ़ी, ओहो आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया, अरे एक आधा लोग कर सकता है, पर राष्ट्रीय स्तर पर तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा ना आपका,
तो ये स्टीपर नहीं बनता, बिल्कुल 45 डिग्री पे भी नहीं बनता, ये लेटा हुआ फ्लैटर ही बनता है। मतलब लेटा हुआ फ्लैटर बन रहा है तो ये ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हो सकता है, अब बताओ मुझे जरा। बोलो, क्योंकि अगर मेरा नेशनल इनकम जीरो है तो ये बता रहा है कि मेरा कंजम्पशन भी क्या है, जीरो है, जबकि हमारा कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता है। अरे लॉकडाउन में आपकी आमदनी जीरो हुई थी या नहीं हुई थी बताइए, हुई थी तो क्या कंजम्पशन भी जीरो हो गया था? जीरो आमदनी के स्तर पर भी हम कुछ ना कुछ अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कंजम्पशन करेंगे, उस कंजम्पशन को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। मेरी बात समझे? समझे, आगे बात उस पर डिटेल में चर्चा होगी, बट फिलहाल आपको इस डायग्राम के बारे में बता रहा हूं कि डायग्राम हमारा ऐसा ही क्यों बनता है। ये चीज देखिएगा, सबसे पहले हाँ आगे वापस वहीं पर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो लेवल है आपका लाइक दिस वन, इसको सी बार बोलेंगे, क्योंकि इनकम कितना है मेरा, उसके बाद भी कंजम्पशन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो सी बार, सी बार मतलब कि ये जो लेवल है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो जीरो इनकम लेवल पर भी आप कंज्यूम करते हो। अब चाहे पुरानी सेविंग से कर रहे हो या फिर आप उधार लेकर के कर रहे हो, ठीक है ना। तो जीरो इनकम के लेवल पर जो कंजम्पशन होता है या तो आपकी वो पुरानी सेविंग से होता है या फिर आप उधार लेकर के कर रहे हो, लेकिन उस कंजम्पशन को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। तो ये इसको सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं हम। भाई बात समझे या नहीं समझे? देखिए डायग्राम है, एक लाइन खींचने के ऊपर बात नहीं है, आगे चीज समझ में आपको तभी आएंगे, क्लियर है। लेकिन ये एग्रीगेट डिमांड नहीं है, क्यों नहीं एग्रीगेट डिमांड, ये तो बस कंजम्पशन ही लिया है ना अभी तो हमने, भैया इन्वेस्टमेंट भी तो लेना है हमें, समझे ही नहीं समझे। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट मिलकर के क्या बनता है, एग्रीगेट डिमांड बनता है। अगर मैं क्लोज इकोनॉमी मॉडल की बात करूं, एग्रीगेट डिमांड किससे बनता है, कंजम्पशन से बन जाएगा। ये कंजम्पशन कर्व है ना कि एग्रीगेट डिमांड कर्व है। अब इसमें क्या और आ जाएगा, कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट ऐड होगा, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को एक मैंने फिक्स अमाउंट यहां पे लिया हुआ है, तो एक पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। किस रंग में करे भैया, ये लो, चलो ठीक है, क्लियर है। ये इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ये जो चीज है ना, ये आपका एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझे नहीं समझे, क्लियर है, बात समझे। अब इन्वेस्टमेंट एक कांस्टेंट फिगर होता है, क्यों, क्योंकि कभी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में यही चीजें होती है कि भैया हमने इतने लाख करोड़ रुपए इस चीज में इन्वेस्ट कर दिया, इस ईयर हम इतने रुपए इन्वेस्ट करेंगे, तो यहां पर कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो कौन सी कांस्टेंट फिगर, तो ये क्या होगा, पैरेलल शिफ्ट कर देगा और मेरा ये क्या बन जाएगा डायग्राम, ये एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम बन जाएगा। बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है। भाई ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई, पहले आप ही बताइए मुझे, कोई डाउट? अब आपके कुछ मैं कमेंट भी पढ़ लूं। हाँ बिल्कुल, कह रहे हैं कि कंजम्पशन जीरो नहीं होता है, किस चीज को, जीरो जीरो इनकम लेवल पे जो कंजम्पशन है वो नेगेटिव इन्वेस्टमेंट होता है, उस समय सेविंग नेगेटिव होती है, उस समय उधार लेकर के। देखो एक सेविंग नेगेटिव, आप चाहे आपने पुरानी सेविंग को खर्च कर रहे हो, उसका मतलब भी होता है कि सेविंग नेगेटिव हुई है। आप अपने बैंक से 5,000 रुपए निकाल लिए तो उस महीने में आपकी सेविंग माइनस 5,000 हो गई है, 5,000 नहीं हुई है, माइनस 5,000 हुई है। आपने किसी से उधार ले लिया तभी माना जाएगा कि आपकी सेविंग माइनस 5,000 हुई है, क्लियर है। इसलिए इसमें सेविंग कर्व जब हम बनाते हैं ना, वो बताऊंगा मैं आगे डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व विद द हेल्प ऑफ द कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम कर्व, ये टॉपिक है आपका कि हम सेविंग कर्व बनाएंगे, क्लियर है भैया। अब इस टॉपिक को छेड़ूंगा 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए तो अच्छी बात नहीं है, अगली क्लास में एग्रीगेट सप्लाई को छेड़ूंगा और एग्रीगेट सप्लाई पे हम बड़ा डिटेल में चर्चा हम करेंगे और कुछ फॉर्मूले को भी समझेंगे और बहुत सारे फॉर्मूले भी करेंगे, एमपीसी वगैरह, और ये क्या होता है फॉर्मूला, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उस लैंग्वेज को पकड़ेंगे हम, ठीक है ना, कि क्या मतलब होता है इकोनॉमी में इस चीज का। ऑटोनोमस को हिंदी में क्या कहोगे, अच्छा क्या कहेंगे, स्वायत्ता उपभोग, स्वायत्ता, स्वचालित मशीन जो खुद चलती है,
समझे ने, तो स्वेता और भोग, ठीक है समझे जी। तो बच्चे मंडे को मिलते हैं शाम को, मैंने आपकी क्लास 4 बजे रखी है टाइमिंग, ठीक है। तो मंडे 4 बजे आपके साथ फिर मुलाकात करूंगा, मंडे टू सैटरडे। अभी अब हम जो पढ़ेंगे मंडे से, और मार्च का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है हमारा, 20 दिन बचे हुए हैं, कोशिश करेंगे ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर खत्म करें, टॉपिक के बाद टॉपिक खत्म करें, तो जल्दी चीजें कवर करेंगे। तो मंडे से इसलिए रेगुलर क्लासेस रखी हुई हैं ताकि वीक में 3 नहीं 5 क्लास हो जाए, और एक वीक के अंदर हम एटलीस्ट एक चैप्टर से तो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर। 3 बजे कर दो प्लीज, 3 बजे बच्चे मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 3 बजे दूसरी क्लासेस भी होती है, 3 बजे दूसरी क्लासेस भी होती है। आप तो सोल वाले हो सकता है कि मॉर्निंग में कर दूं, बट अभी तो चलो मार्च में रहने दो 4 बजे। भाई कोई बात होगी तो बता देना आप, क्या इश्यू है 4 बजे। कमेंट कर दो, अगर कमेंट करना है आपको तो मैं पढ़ लेता हूं। 10 ईयर अभी नहीं आए, मुझसे बात करनी है तो आप, मेरा नंबर है ना आपके पास पे, मेरा नंबर लेकर के मुझे फोन कर लीजिए शाम को 7 बजे। बुक कौन सी लेनी है भाई, ये पढ़ लो जो दे रहा हूं आपको, यही तो है बुक में से, ठीक है जी। मिलते हैं अगली कक्षा में।